उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना क्षेत्र रजबपुर के अंतर्गत बागड़पुर माफी के जंगल में तेंदुए को देखा गया। तेंदुए को देखने के बाद किसानों में दहशत का माहौल, खेत पर काम कर रहे किसानों में मचा हड़कंप। किसानों ने दीव वन विभाग को सूचना के तहत हसनपुर क्षेत्र अधिकारी सुभाष चौधरी व धनौरा से भी टीम बुलाई गई। बताया जा रहा है वन विभाग की टीम अपने पूरे इंतजाम के साथ जंगल में पहुंच गई है, लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो तेंदुआ वन विभाग की टीम के हाथ नहीं लगा है। दो बार प्रयास करने के बाद भी वन विभाग की टीम असफल रही। अनुराग, क्या मामला है आपके साथ में? साथ तेंदुआ आया किस तरीके से? पूरी तरह रात जब मैं पानी चलाने आया था यहाँ पे खेत में, मुझे लगा कि शायद कुत्ता वुत्ता बैठा है, उसकी आंखें जल रही थी। तो फिर मैं क्यारी फेरने के लिए पास में गया उसके, तो मेरे पास जाने के बाद भी ये भागा नहीं। तो मैंने टॉर्च जला के देखी तो तब भी नहीं भागा। मैं उसके पास चला गया, तो पास जाके मैंने देखा तो उसने मेरे ऊपर जंप किया, मैं नीचे बैठ गया। फिर उसके बाद मैंने अपना ट्वेल बंद करा और घर के लिए आने लगा बाइक स्टार्ट करके। तो फिर रास्ते में खड़ा हो गया ये। जब मैं करीब में आया तो फिर रास्ते से हट के पास के खेत में जाकर बैठ गया। फिर मैं घर पे आके बताया सब लोगों को। फिर सुबह ही हम 6:30 बजे वापस खेत में आए तो यहाँ पे एक पेड़ है लिपस्टिक सफेदे के पेड़ पर चढ़ रहा था ये, और उसके ऊपर से नीचे कूद के कब्रिस्तान में घुस गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको चारों तरफ से घेरा। घेरने के बाद एक बुजुर्ग आदमी उसके सामने पड़ गए, उन्होंने उसको घायल कर दिया। बुजुर्ग आदमी को सरपंच की चौड़ा हॉस्पिटल में भर्ती है अब। तो फिर इसका सॉल्यूशन करा जाए कुछ। अब वन विभाग का क्या कहना है? वन विभाग का कहना है सुबह से आश्वासन दे रहे हैं कि पिंजरा आ रहा है, हमें तो लग नहीं रहा कुछ हो रहा है। सचिन जी, क्या मामला है? जो मामला ये है कि ये मेरा छोटा भाई है, ये रात 1:30 बजे पानी चलाने आया था पलेवा करने खेत पे, और भरे के अंदर जो है ऐसा लगा कि कोई कुत्ता बैठा हो या जानवर बैठा है। उसकी आंखों के ऐसा लग रहा था कि लाइट सी जल रही है। ये मोबाइल की टॉर्च जला के गया धोरे पास में, वो नहीं भगा। फिर ये और नज़दीक गया, नहीं भगा। फिर ये उसके बिल्कुल पास में पहुंच गया, जब उसने इस पे हमला किया ये नीचे को बैठ गया एकदम। फिर इसने तुरंत घर पे फ़ोन करा कि बोले भाई तेंदुआ है। फिर वो रास्ते में आके खड़ा हो गया, बाइक स्टार्ट करी। इससे छोटे एक भाई और है, उसको बिठाया पर वो नहीं हटा। फिर वो एक साइड को खेत में साइड में हो गया। सुबह 6 बजे फिर ग्रामीणों को कहा गया भी ऐसे ऐसे तेंदुआ। जब ग्रामीण इकट्ठे हुए उसको भगाया, जब वो बाहर निकला। वन विभाग टीम हमें सुबह 6 बजे से आश्वासन दे रही है कि बोले कि पिंजरा आ रहा है, इसको भगाना है, किसी आदमी पे ये हमला नहीं करेगा। बताओ एक बात बताओ, जंगली जानवर है, हमला क्यों नहीं करेगा ये? बस वन विभाग के अधिकारी है, ये कह रहे कि ये किसी पे हमला नहीं करेगा, आदमखोर नहीं है। एक बात बताओ, अभी इसने एक आदमी को घायल कर दिया कि आगे को नहीं करेगा? और इसने परसों रात 1.5 साल की एक बच्चिया को खाया है। 1.5 साल की बच्चिया काफी बड़ी होती है। हमने सोचा कि कोई हड़वारी कुत्ते आ गए होंगे, वो खा गए, पर आज स्पष्ट हो गया कि हमारे यहाँ रुका हुआ है। और इसे एक दो महे भी मरे हुए मिले, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि हमारे यहाँ क्षेत्र में आया हुआ है। अब किधर है तेंदुआ? अब ये तेंदुआ इस ईख में है, ये सामने जो ईख है। आज सुबह हमला किया है। हमारे एक बुजुर्ग आदमी थे, उन पर हमले किया है इसने भगते टाइम, और उनके सिर पर पंजा मारा जिससे उनका सिर फट गया है। और जब से ये इसमें तेंदुआ रुका हुआ है, फोर्स अब आ गई है, पर आश्वासन यही दे रहे कि पिंजरा आ रहा है, इसको पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ोगे आप? ग्रामीण परेशान है इसकी वजह से, क्योंकि बच्चे भी हमारे खेत पर रोटी लेके जाते हैं और लेडीज भी जाती हैं। अब किसी को खा लिया इसने तो प्रशासन कहाँ से देगा उस आदमी को जिंदा करके, बताइए? प्रशासन कोई वो नहीं कर रहा, बस ये कह रहा है कि पिंजरा आ रहा है, आप पब्लिक घर चली जाओ। घर चले जाएंगे भाई, खेत में तुम काम करने आओगे? यहाँ पर लोग जो हमारे पलेवा होने, हमें ईख बोनी है, उसे कौन बोएगा? बस प्रशासन कह रहा है वन विभाग का कि आप घर चले जाओ, हम अपने आप कर लेंगे। अपने आप क्या, इसकी पूछ पकड़ के पकड़ोगे इसको? कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, कोई मैटर नहीं हो रहा। बता रहे हैं कि जब वो गन्ने के खेत में था तो 4-5 लोग अंदर गन्ने के खेत में घुस गए, तो उसके इसने पंजा मार दिया है। खजूरी का रहने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।